तो ये दूध हल्दी वाला पूरा खत्म करना है अपने, ठीक है। और कल कल की तरह ऐसे नहीं कि आज जिम जाओगे फिर से और वैसे ही कपड़े पहन लोगे, फटाफट खत्म करो। ये बनाई क्योंकि थोड़ा नर्वस हुई थी, बट आज मेरा सेकंड डे है जिम का, तो फटाफट कपड़े वगैरह चेंज कर दी क्योंकि मैंने डेनिम वगैरह पहने दिख रहा है। काजल को करना चाहिए क्योंकि काजल से, पर काजल का आज फर्स्ट डे है। सो हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह सुबह का ब्लॉग ये है कि मेरी मैम हो गई है तबीयत खराब क्योंकि कल ये जिम गए थे और जिम से आने के बाद तुरंत इनने इतनी ठंड में शॉर्ट्स पहन लिया था और रात को ये अपना ये भालू वाला कॉस्ट्यूम पहन लिया इनने। और अब बेचारी क्या लाना है आपके लिए, पैरासिटामॉल। कौन सी वाली? 650। तो फटाफट जाते हैं और मैम के लिए पैरासिटामॉल लेके आते हैं। मॉल मॉल और एक हमारी नहारी उधर, तो फटाफट चलते लो ये पानी पी लेना, ठीक है। आपको थोड़ी एनर्जी आएगी, ओके। और जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, आपका टाइम हो रहा है। सो गाइस, फाइनली मैं दूध लेके आ गई हूँ। दवाई तो मिले नहीं क्योंकि मेडिकल बंद थे, तो फटाफट चलते थे दूध वगैरह लेते। कहाँ गई मेरी मैम? मैम किचन में कोई भी नहीं है। अरे दूध नहीं, दूध नहीं, लो दूध। कहाँ जा रही हो आप? क्या आपने फोन का कवर क्यों उठाया? ये तो सच में ही गजनी लग रही है मुझे। तो फिर मुहादर तक ड्यूटी के टाइम में मिलते। तो ये दूध हल्दी वाला पूरा ख़त्म करना है अपने, ठीक है। और कल कल की तरह ऐसे नहीं कि आज जिम जाओगे फिर से और वैसे ही कपड़े पहन लोगे, फटाफट खत्म करो। और हिंदी मारे इस वक्त झाड़ू और फटाफट मैं भी नाश्ता करती हूँ। दिखाती हूँ मैं आपको नाश्ते में क्या है। अभी तो यह है, इसमें दूध डालते हैं फटाफट और लेते हैं वो एक मिनट वो लेते हैं कॉन्फ्रेंस इसको फटाफट इसमें डालते हैं और फटाफट खाते हैं क्योंकि आज लेट हो गया बहुत और फिर ड्यूटी चलते हैं। आपको मिलेंगे हम सीधा ड्यूटी के आने के बाद। तो गाइज, आज से मेरा जिम स्टार्ट है। मेरा मतलब सेकंड डे है, कल फर्स्ट डे था। कल मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि थोड़ा नर्वस हुई थी, बट आज मेरा सेकंड डे है जिम का। फटाफट कपड़े वगैरह चेंज कर दी क्योंकि मैंने डेनिम वगैरह पहने दिख रहा है, फटाफट चेंज कर दी और सीधा बाहर निकल गई। हो गया, 40 हो गए। स्टार्ट कैमरा स्टार्ट करने से पहले ही काजल से 40 हो चुके हैं। अब मेरी 10 है, मैं थोड़ी देर इसमें बैठूँगी। बलून ये अपने आप को बोल रही हूँ मैं एक ही दिन में पतली हो गई। अब तो पहला ही दिन है मैम, मैं एक दिन में नहीं, मैं ऐसे पतली होकर दिखाऊंगी सेम पे छूटे। अभी हो रहा है रोप जो कि ये कर रहे हैं, होता है एनर्जी के लिए। और ये सबसे ज़्यादा काजल को करना चाहिए क्योंकि काजल से, पर काजल का फर्स्ट डे है, मेरा सेकंड डे है बल्कि इसकी बारी, बिकॉज मेरा हो चुका है काजल। गाइस ये मेरे एक के मुक्के में हिल जा रहा है, देखा एक दिन में मेरे अंदर कितनी ज़्यादा जान आ गई। इतनी तो काजल के अंदर भी नहीं आई है कि मेरे अंदर आ गई। सो गाइस, हम फाइनली जिम से बाहर निकल गए और काजल को देखो, कैसे लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। काजल बोल रही है काजल को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हम लोग फटाफट घर चलते हैं और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। सो गाइस, फाइनली हम रूम पे पहुंच गए हैं और हमारी रेनू दीदी कर रही है, क्या कर रही हो आप? खाना बना रही हूँ। गाइस ये हरी सब्जी बना रही है आज, और चलते हैं हम मैम के पास क्योंकि मैम की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है और लोग दवाई वगैरह लेके आए। ये हमारी मैम, ये सीरियस है। चलो मैक्स चले सूत अमीर से रहा कर। आपके लिए मैंने थर्मामीटर लाया है, चेक करते हैं इसकी दवाई कि क्या हुआ है, कैसी लगी है। कितने बजे आए आप स्टोर से? ओ भाई साहब। हाँ मैम, कितने बजे आए थे आप? 11 बजे। 11 बजे वापस? हाँ, मैंने फ़ोन किया था ना। चलो फिर फटाफट इनका चेक करो बुखार।
तो गाइस बुखार है, बुखार लगा है। दिया देखो बुखार है, 103 जा रहा, 102 103 के आसपास जाएगा। तब भी मैंने इनको कल ऐसे बोला था कि कपड़े मत करो, कल जिम से आए और तुरंत शॉर्ट्स पहन लिए इनने। ये इंसान डॉक्टर के पास चलो आप, यहाँ पे नहीं होगा कुछ भी, ठीक है? बिस्तर में लेट के नहीं होगा, उठो चलो जल्दी। क्या कितना है? 103.1 ठीक है, तेरे को फोन किया जाए। मैम के लिए ये बनाया हमने लौकी की सब्जी है, देखो लौकी को चावल गाइस, ये इनको खाना पड़ेगा, मजबूरी में इनको खाना पड़ेगा। ये मुझे मैम मुझे खिलाती थी, आज मैम को भी खाना पड़ेगा। और मैम से अच्छी बनाई है मैंने गाइस, मैम से अच्छी बनाई है। देखा अब हाजिरी है, ये सच्चाई है। कुछ नहीं खाना था सुबह से, कुछ भी नहीं, एक रोटी खाई थी, क्यों नहीं खाई थी? थोड़ा दूध मर उल्टे करिए तो पानी पीने के बाद, मैंने कहा था दूध मत पीना नहीं। तो गाइस खाने में कुछ इस तरीके से दाल है, ये वाली कौन से हरल मलका है, अरहल और मलका है, और चावल और हरी सब्जी, क्योंकि आजकल हरी सब्जी हरी सब्जी खाना चाहिए, काफी जान आती है शरीर में, जान आती है, सिबू की जान आती है। ये खाना ले रहे हैं, ये पता नहीं क्यों इतना सारा डाल दिया यार, ये इन्हें डाला इन्हें जल्दी कम करो और हम खाना खाते फिर बाद में। तो गाइस मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि एक चीज जो हमारे रेनू जी है ना वो निकल की और की है, मैंने अपना पूरा गैस साफ करा है, वो अभी तो थोड़ा साफ ही कर दिया है यहाँ, ये पूरा गाइस मेरी गलती नहीं है, वो मैंने किचन साफ करने के बाद उसके बाद मैंने दोबारा दाल उबला हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ये पहले से अरहर का दाल हुआ है, झूठ बोल रहे गाइस, बात सुनो, वो अरहर की दाल नहीं है, वो मैम की लौकी थी, मैंने पहले अपनी दाल बना ली थी उसके बाद वो बनी थी। ओके गाइस ये सीधा सीधा झूठ बोल रही हूँ गाइस, पता है सच बोल रही हूँ मैं, वो लौकी का झोले देख ले, मैंने हल्दी नमक छोड़ते हुए कुछ नहीं डाला, भगवान कसम गाइस मैंने हल्दी हुल्दी कुछ नहीं डाला था, कल काजल बताएगी टेस्ट करके। नहीं मैंने अरहर की दाल में काजल मैंने कुछ कोई बात नहीं इट्स ओके, तुम साफ करो। सो गाइस अब मैं थोड़ा मैं पानी गर्म करा था, उसमें ये ORS डालेंगे तो उनको पानी घोल के देंगे इस वाली बॉटल में, हमारी मैम इतनी ज्यादा बीमार है कि बीमार में भी फोन छेड़ती है। ये देखो वहाँ पे क्या हुआ पता नहीं, हम लोगों ने सोचा बाहर लड़ाई हो रही पर हमारा ही बैंग हो गया, हम भाग भाग के छत के ऊपर गए और देखा तो कुछ नहीं, कुत्ते भोंक रहे पीछे हो गई। अब फटाफट इसको इसमें डालते हैं, मैम को देते हैं पीने के लिए, मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, पर मेरी मैम को पता नहीं कैसे पसंद है। मेरी मैम ने बोला कि यहाँ पे कुछ वाइट वाइट लगा है, तो मैंने यूं करके जैकेट हुड़ का वो लिया, बाजू यूं रगड़ लिया तो छल्ले निकल गई, छल्ले के बाद उसके दाने हो गए, तो गाइस ये दाना इधर भी हो रहा है साइड से मुझे लग रहा है, तो मैं दवाई लिखाई हूँ गाइस 140 का दवाई देना, छोटा सा पुद्दू सा गाइस, पैसे बता किसके लिए उन्होंने, इस डब्बे के पैसे लिए, अंदर से देखो दवाई तो 40 की गाइस, बड़े जो डब्बा 140 का है, 100 का है, सॉरी ये देखो गाइस, मुझे पैसे वेस्ट करना पसंद नहीं है, अब इसको मैं अपना मेकअप किट बनाऊंगी। क्या बनाओगी? इस पैसे वेस्ट करना पसंद नहीं है, इसे मैं अपना मेकअप किट बनाऊंगी, इसे लिपटिस रखूंगी अपना, ठीक है? तो गाइज इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं, आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।